वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, उसी तरह हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की तरफ। इससे पहले हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी का संकट पूरे विश्व स्तर पर पड़ा, जिससे लॉकडाउन फर्स्ट हमारे भारत में हुआ, सेकेंड भी हुआ और अब थर्ड चल रहा है जो 4 मई से 17 मई के लिए है। 15 मई का ये सूरज अपनी कोई नई कहानी कहने की जुगत में है और सूरज देवता प्रकट हैं। आप देख पा रहे हैं कितना चमक रहे हैं। उम्मीद यही की जानी कि कोरोना के संकट में अब कुछ नया उजाला आएगा। हालांकि हम जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना महामारी है और कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। कल शाम को दिल्ली में आंधी अंधड़ आया, काफ़ी पेड़ गिर गए, लेकिन उम्मीदें जगी हैं। उम्मीदें इसलिए जगी हैं कि लॉकडाउन का चौथा पीरियड शुरू होने वाला है और वो जालियों में से बाहर निकल के एक नई जगह पर पहुंचेगा, ऐसा विश्वास है। मैं मौजूद हूं पश्चिमी आर में। पश्चिमी आर का ये इलाका है जहां पर कि कुछ आप देख पा रहे हैं कि खाना बनाने की कार्रवाई चल रही है। साई जीव धारा सेवा समिति का पोस्टर लगा हुआ है, कुछ लोग लगे हुए हैं और यहां पर खाना तैयार किया जा रहा है। हमेशा की तरह से यहां पर शुद्ध पौष्टिक खाना और इस खाने में प्यार है। प्यार उन लोगों का है जो चाहते हैं कि उनके भाई बंधु इस कोरोना महाकाल में, संकट काल में किसी भी तरह से परेशान ना रहे और कोई गरीब भूखा ना सोए, ये एक ही महत्वाकांक्षा है। आखिर ये लोग कौन हैं, कब से सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ये सेवा कब तक जारी रहेगी, ये सवाल है। सवाल है तो जवाब ही पूछ लेते हैं। आइए मिलते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? रेनु लूथरा जी, जिस तरह से ये साई जीवधारा सेवा समिति एक पोस्टर लगा हुआ है, तो इस समिति के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं कुछ। ये संस्था है हमारी, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ, साई जीवधारा सेवा समिति। साई जीवधारा सेवा समिति संस्था है हमारी। यहाँ पर ये खाना वाना तैयार है, कुछ थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये खाना किसके लिए है, क्यों है और ये साई जीवधारा सेवा समिति क्या करती है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं। ये झुग्गियों में खाना जाता है, कंस्ट्रक्शन में जो लेबर फंसी हुई है, जल बोर्ड की लेबर फंसी है और रोड साइड पे जो लेबर है उनके लिए खाना बनता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कब से ये सेवा आप जारी रखे हुए हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग कर रहे हैं। मान के चले कि मार्च के महीने से आप सेवा कर रहे हैं। 23 मार्च से कच्चा राशन भी दिया हम लोगों ने। चेहरे पर थकान है और लेकिन मन जो है वो जोश से उबाले मार रहे हैं। ये आपकी जो सेवा है, इसमें जो आपका सहयोग कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ तो जैसे सोनिया कैम के बच्चे हैं, बीएस गोयल जी हैं जैसे हमारे साथ, शुभम एंक्लेव से नवरत्न जैन हैं, और भी बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं जो संस्था से भी जुड़े हैं और उन लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं जैसे गोयल जी के साथ, और शुभम एंक्लेव का बहुत बड़ा सपोर्ट है हमें पश्चिम बिहार से। कोरोना संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है, पूरे विश्व में जब छाया हुआ तो भारत में भी इसका प्रकोप है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, सभी अपनी सेवाएं जारी रखे हुए। साई जीवधारा सेवा समिति के मन में ऐसी क्या बात आई कि आप सेवा की इस धारा में कूद पड़े? बस वही है कि कोई भी भूखा ना रहे, हम जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम लोग उतनी कोशिश कर रहे हैं। तो आज क्या आपने सेवा में क्या बनाया आपने? आज कड़ी चावल है, रोटी और दाल, 2500 से 3000 लोगों को हम लोग डेली खाना खिलाते हैं। तो दोस्तों ये है रेनु लूथरा जो कि साई सेवा समिति से जुड़ी हुई हैं और साई का जो आशीर्वाद है सभी के साथ में है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं उनका सेवा का ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा और वो अपनी सेवा से लोगों को लाभ देते रहेंगे। पश्चिमी आर ज्वालाहेडी मार्केट का ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जहाँ पर गरीबों के लिए खाना ना बना हो और ये अपनी सेवा निरंतर जारी रखे हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। नाम बताइए अपना। पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार में ऐसा क्या कुछ होता है कि हर कोई सेवा के लिए उतर जाता है, हर कोई चाहता है कि वो सेवा करे? इतनी बड़ी त्रासदी जो आई है, लोगों पे संकट कोविड का आया है, इसको देखते हुए सारे लॉकडाउन में मजदूर भाई थे जो ने
उनको किसी भी मतलब ना तो कोई साधन था कमाई का, वो भी जहाँ फैक्ट्री में काम करते थे वो भी बंद हो गया था, इसलिए वो लोग त्राही त्राही कर रहे थे। हमारा ये संकल्प है कि भी कोई भी भूखा ना रहे। अन्नदान महादान का एक हमारा कल्याण वो था। पहले भी हम लोग जो है ना इसी उसमें हर महीने जो है ना हम भंडारा करते रहे हैं। हर अमावस का हमारा भंडारा होता है अन्नदान की वजह से कभी जो है, और फिर हमें जो है ना यहाँ ये इनका सपोर्ट मिल गया, क्योंकि एक ही आदमी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए कई काफ़ी सारा एक ग्रुप चाहिए। जो हमने इनके साथ रेणु लुथरा जी और मनोज लुथरा जी के साथ हमें साथ मिला और हम उनके साथ तन मन धन से इनके साथ लगे हुए। गोयल साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, संकट की इस घड़ी में तो आप सेवा कर रहे हैं, उसके अलावा निजी जिंदगी में आपका क्या व्यापार है, क्या काम करते हैं आप? मैं तो इस टाइम तो समझो पिछले मार्च 19 से रिटायर हो गया, समझो बिजनेस था वो बंद हो गया था जी। उसके बाद में फिर सेवा ही हमने सोचा, मेरे को अपना ये लगा कि मुझे क्या क्या बिजनेस करते रहे आप अभी तक? सीमेंट पेंट सरोसम वगैरह बनाते थे हम लोग, ठीक है, वो बंद करके फिर इससे पहले जो ना मैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल 22 सेक्टर में वहाँ पेशेंट केयर और जो परचेज वगैरह था वो देखता था, लॉकडाउन की वजह से फिर यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये थे बीएस गोयल साहब जो कि सेवा के इस पुनीत कार्य में जुड़े हुए हैं, और सेवा के पुनीत कार्य में अनेकों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज पश्चिम विहार में हम लोग हैं। पश्चिम विहार में जिस तरह की सेवा चल रही है उसमें और भी हस्ताक्षर हमारे साथ में हैं। शोर हो रहा है क्योंकि काम है तो शोर भी होगा। अपना नाम बताइए सर। मनोज लुथरा। मनोज लुथरा जी, जिस तरह से आपने ये जटायु का वेश रखा हुआ है, कोरोना संकट है, आपने अपना एहतियात बरती हुई है ताकि किसी भी तरह का किसी और को ये बीमारी ना हो पाए जी, आज सेवा की इस कड़ी में आप ज्वालाहेडी मार्केट में उसके बैक साइड में ये धर्मशाला सी बनी हुई है, यहाँ पर रोज़ाना आप खाना तैयार करते हैं, अपने हाथों से पौष्टिक खाना तैयार करके जब गरीबों के बीच में पहुँचते हैं तो उनके चेहरे पर क्या पाते हैं? उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है। हम लोग जब जाते हैं तो वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई आज खाना हमारे को मिलेगा जी, तो वो उनकी चमक देख के हमारे को और खुशी मिलती है कि और उत्साहित होते हैं कि इनके लिए और कुछ किया जाए ताकि ये भूखे ना हो, ताकि इनका भोजन रोज वितरित होता रहे। एक सवाल यहाँ जहन में आता है कि इससे पहले ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी देखने को नहीं मिली, जिस तरह की ये त्रासदी उत्पन्न हुई कोरोना महामारी के रूप में, चाइना से इसकी शुरुआत हुई लेकिन इसने धीरे धीरे सभी देशों को जकड़ लिया, तो ऐसे में जो मदद के लिए हाथ उठे हैं जो न केवल सरकारों के बल्कि स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे साई जीव धारा सेवा समिति है, वो रोज़ाना हजारों लोगों को खाना वितरित करती है, तो आपको क्या लगता है कि भगवान की पूजा करने से बेहतर है ये काम? नर सेवा नारायण सेवा, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। जितनी हम सेवा कर पाते हैं हमारे को उतना ही खुशी मिलती है, ताकि जितना मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी सुविधाओं को पहुंचा सकें, यही हमारा ध्येय जी। आपको क्या लगता है कि ये सेवा का जो सफ़र है वो कब तक जारी रहेगा, क्योंकि अब लगता है कि लॉकडाउन धीरे धीरे कम हो रहा है और धीरे धीरे सरकार भी चेत रही है, वो चाहती है कि लोग खाली ना बैठे रहें, वो देश निर्माण में आगे बढ़ें और घरों से बाहर निकलकर अब कुछ देश के लिए भी काम करें। बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रयत्न भी तब तक ही रहेगा जारी जब तक सब चीज़ें प्रॉपर खुल नहीं जाती। तो ये थे मनोज लुथरा जो कि कृत संकल्प हैं कि सेवा होती रहे, और सेवा की इस कड़ी में और कौन कौन लोग हैं, मेरे को ऑटो दिखाई दे रहा है, यानी कि सामान अब जाने के लिए तैयार है, गरीबों के बीच में ये भोजन जो तैयार हुआ वो जाने वाला है। सर अपना नाम बताइएगा। संजय अग्रवाल। श्रीमान सुलेख अग्रवाल जो अग्रसेन धर्मशाला के उप प्रधान है, उनका लड़का हूँ, अपना D40 शुभ इंकले में रहता हूँ। दोस्तों मुझे खुशी हुई इस बात की कि ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने पिता श्री का नाम भी बताया, और ये परंपरा साउथ इंडिया में देखने को काफ़ी मिलती है लेकिन नॉर्थ इंडिया में पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि कोई पुत्र अपने पिता के नाम से अपनी पहचान बता रहा है। संजय जी, जिस तरह का आप ये सेवा कार्य में जुटे हैं, साई जीवधारा सेवा समिति पुनीत कार्य कर रही है, आपको क्या लगता है कि इस सेवा से क्या गरीबों का भला हो रहा है?
गरीबों बहुत भला हो रहा है। जब हम सामान लेके जाते हैं तो उनके मुंह पर अलग सी एक लहर सी दूर आती है कि हमें हमारे लिए खाना आ गया है और हम भूखे नहीं अब रहेंगे। क्योंकि कई लोग होते हैं भूखे नहीं सोचते हैं, लेकिन वो भूखे जब देखते हैं खाना आ गया तो लाइन लगती है और अच्छा हम खाना वितरण करवाते हैं उनके लिए। अब ये भी सवाल उठता है कि जब आप जो खाना बांटते हैं लगभग रोजाना कितने लोगों तक ये खाना पहुंचता है? हम 2500-3000 लोगों के करीब खाना बांट देते हैं। दोस्तों यहाँ उल्लेखनीय ये है कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य तरीके से कुछ लोग हैं वो सेवा करते हैं। ये अकेली एक ऐसी संस्था है जो अपने बलबूते हुए 2500-3000 या उससे ज़्यादा लोगों को खाना पहुँचाती है और ये सेवा का जो कार्य है निरंतर 22 इस सेवा को किस रूप में लेते हैं आप? इस सेवा को बहुत बढ़िया चल रही है, जिससे हम खाना लोगों को वितरण कर पा रहे हैं, जिससे लोगों का खाने का मन और अधिक उचित हो पाता है। तिरंत हम खाना कहीं और से इतना बढ़िया नहीं मिल रहा है, आपके जो खाना लेके आते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेट भर सके, जिससे उनका हो जाता है। आप रोजाना लगभग 2500-3000 लोगों या उससे ज़्यादा लोगों को खाना वितरित करते हैं, तो क्या लगता है कि इस सेवा से आपको परम संतुष्टि होती है? हमें परम संतुष्टि होती है, हम तो सोचते हैं और ज़्यादा ज़्यादा वितरण कर सके, लेकिन जितना हमारे से हो सकती है हम उतना कर पा रहे हैं। कोरोना संकट के इस काल में जो जिसे देखो वही इस होड़ में है कि उसके इस इलाके में कोई गरीब भूखा ना रह पाए। पश्चिम यार का ये क्षेत्र है, ज्वालाडीह का क्षेत्र है और यहाँ पर रोजाना नित्य पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है और इस भोजन की जो तैयारी है वो साई जीव द्वारा सेवा समिति द्वारा की जाती है और उनका मकसद यही है कि कोई गरीब आदमी भूखा ना रहने पाए, कोई आदमी भूखा ना सोए। हालांकि सरकार के कदम भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस संकट की घड़ी में खड़े होंगे तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कोरोना अवश्य हारेगा और मानवता की जीत होगी। मानवता की इस संघर्ष गाथा में आज पश्चिम विहार से वीके शर्मा, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN News और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।